बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और एक और शो में कहता हूँ जी खुश आमदेद। शो का नाम है फिकर नॉट, यानी फिकर आपने अब नहीं करनी, क्योंकि हम आपके साथ अवेलेबल हैं और आपको बताएंगे कि हर फिकर का हल क्या है। आजकल जो बड़ी फिकर की बात है वो ये है कि चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा जाए, जनरल कौंसिल का इलेक्शन लड़ा जाए, या कौन सा इलेक्शन लड़ा जाए। नाजीज वकार, मसला ये है कि एक घर के अंदर तीन तीन कैंडिडेट मौजूद हैं। अगर घर के अंदर नहीं है तो बिलादरी के अंदर मौजूद हैं, अगर बिलादरी के अंदर नहीं है तो मोहल्ले के अंदर मौजूद हैं। हर दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि भैया तू बैठ जा, मुझे इलेक्शन लड़ने दे। दूसरा कह रहा है मुझे बैठ, अगर इलेक्शन ही हमने लड़ना है और इस तरह लड़ना है तो इस लड़ने से अच्छा है कि हम ना लड़ें। लेकिन इलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है कि आपके मुंतखब जो लोग हैं, आपके करीब जो लोग हैं, वो असम्बलियों तक पहुँचें, यानी कि यूनियन कौंसिल की एटलीस्ट वो नुमाइंदगी करें और आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, जिसमें सड़क है, गली मोहल्ला है, जिसके अंदर एजुकेशन है जो बड़ा एक ज़रूरी मैटर है, उसके आपके बच्चे जो हैं उसकी अवेयरनेस लें और स्कूल्स ने बन सके, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इन पर काम जारी सहरी रहना चाहिए। हमेशा मेरा बड़ा प्यारा भाई है, बहुत कमाल का दर्द दिल रखता है अपने इलाके के हवाले से, कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ अच्छा कर सके, इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। थैंक यू सो मच फॉर अगेन ज्वाइनिंग अमजद सुहेद मलिक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। आप सियासी और समाजी रहनुमा हैं, आपकी सियासत की तरफ भी तवज्जो होती है और समाज सेवक इंसान भी हैं आप, उनके साथ मौजूद हैं जी। नुसरत रहमान साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लेकर आई। बेटर टुमारो, कल कम अपना अच्छा कैसे कर सकते हैं, यकीनन अपने बच्चों को पढ़ा के कर सकते हैं, तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या मैकेनिज्म है इनके पास, इनसे डिस्कस करूंगा। हमारी नई होस्ट आई है, को होस्ट अभिदीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है। क्या प्रॉब्लम बनी हुई है? एक मिनट, मैंने आपका तुमको यार मैं एक मिनट नहीं, मैं खत्म नहीं किया तो क्या मतलब है प्रॉब्लम बनी हुई है? जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि दो भाई मौजूद हैं और इनका मसला यह है कि दोनों कहते हैं कि हमने चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ना है और उनके साथ तीन तीसरे साहब भी मौजूद हैं। सर आप कुछ क्या सर, आप टीवी पे मेरी बात सुने, ये तीसरे मेहमान भी जो है हमारे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लड़ रहे हैं बाबू। अच्छा आप इन दोनों के मुकाबले अभी लड़ रहे हो आपसे? अच्छा अभी भी अभी तो नहीं कह रहे, एक चीता आके चीता मल्लक चीता मल्लक चीता, एक चीता आके चीता मल्लक चीता मल्लक चीता, ये नारे एक बड़ा चीता काला सिया चीता। तो काले भी चीते होने ना वही। अच्छा एक मिनट एक मिनट, मुझे बताएं आप अपना मौका बयान करें, पहले आप बयान करें। एक्चुअली बात ये है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा नेका पे आया ना, कि ये मेरे खिलाफ लड़ना चाहो। अच्छा गेंजे की बात ना कर भाई, आप दोनों ने लड़ना नहीं है, पहले मुझे बात समझाए। मैं तो की दखा ना भाई, अच्छा चलिए आप बताइए। वो बिल्कुल ही चिट्टा से आया ना। अच्छा मरा पैरा हो के नहीं समझता भाई, दुनिया लड़ाओ के खुश होती है भाई, इस शक्ल तक भाई किसे आप तीनों अपना अपना बताएंगे मौकफ, आप बताएं अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो आप क्या क्या बनवाएंगे चीजें बताएं। सबसे पहले अच्छा मुझे बताएं ना जी, मैं अपनी गल आप करी के इंसान, आप क्या बनवाएंगे बताएंगे? मैं तो सकी बां कि मैं क्या बहना था, मैं दलिया बन रहा हूं। वो एक मिनट है भाई, अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हारा ध्यान रखती हूं, बस तुम जो बड़ो गेंजिया मुझे पैर हो के मारना है भाई, मैं तो मिसा एराम होने लगा नहीं भाई, एराम होने लगा अगर आ जाओ ना किले ए इलेक्शन सर, मैं तो सकी को साड़ी खुली की को मैं गलियों मैं बिना सो छतो, अच्छा गलियों और साथ छतो, वो सुबह सब्जियां भी मैं दे सही नहीं। अच्छा तीन चीजें सब्जियां दे, अच्छा चले चले तको गलियां, आप बताएं जी भाईजान, आप बताएं वो तू दस भाई, आप बताएं मैं बैठता हूं जी।
देखें एमसॉन के अंदर एमसॉनियत होनी चाहिए। अच्छा। यूसेफ गौड़ा जो है ना सात दफा जो है ना इलेक्शन जीती गए अच्छा सात दफा चेयरमैन बनाए शुक्र है अच्छा। सात दफा जीती गए सुना है इसके वाले साहब भी चेयरमैन थे दादा भी चेयरमैन थे वो पूरा हो गया ना मुके की कहानी पूरा हो गया था अल्लाह ने कसमे पूरा पांच साल ये नजर ही नहीं आता अच्छा अच्छा मैं आप अपनी बात बाद में बोले ना मैं बोलना पहले अच्छा जी 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 बोले इतने गला खराब ही होती चीज में बोले 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 आओ तो मैं ये चाहता हूँ ये पूछे में मारे बैठे खराब कर दो अच्छा अब तो नालियां भी पक्कियां करा सो गलियां भी पक्कियां करा सो इस गटर ना क्या अच्छा गटर भी मुंह खुले अच्छा गटर ने मुंह खोले तो कीड़े बाहर आए ना आपने मौका नहीं दिया आपने उनकी तनकीद कर दिया अब आप बताएंगे अपना ना मारी एक गौर अच्छा मैं इंशाल्लाह जीती गया तो इस मुल्क के अंदर से सबसे पहले ये काले सिंगाड़े खत्म करूंगा क्या करेंगे इनके वो इनके दौलत लूटी के बाद भाग जाती हैं कहते हैं कि हमें इलेक्शन में फिर वोट दें इस दफा कौन ज्यानी होगी ये अब आप क्या किसकी पार्टी के हैं इस मैं जड़ा जीती गया उसकी नहीं मतलब आजाद आजाद हाँ मैं आजाद हूँ बाद की पैसे कैसे लग रहे थे आप किस पार्टी से मैं अपनी पार्टी के है तो अपनी पार्टी भी है कौन सी पार्टी है अपना कार्रवाई मैं ज्योति की बात कर रहा हूँ आप किधर ले गए वह तू खड़ना पे बता कौन सी पार्टी है कौन सी पार्टी है हमारी अपनी पार्टी है गंजा टीम आप बताए ना पार्टी का नाम बताए पार्टी का नाम इन्होंने पार्टी नहीं है जी प्लास्टिक की पार्टी अच्छा चले दोनों आप अब चुप करें उस पार्टी में इसलिए डैडू निकला अब मुझे बताइए अब आप दोनों ने नहीं बोलना ठीक है ना मैं कसम के भाई ना मैं तो अपनी मुंह पे एंगली रख लेता हूं मैं उंगली रखे दी आप भी उंगली मैं उंगली नहीं रखूंगा मैं अपना मुंह इसके मुंह पे रखूंगा अच्छा मुझे बताइए जी आपका एजेंडा क्या है इलेक्शन का एजेंडा क्या असल में जी मेरे दादाजी इलेक्शन जीते सबसे पहले हमने अपनी यूसी को मजबूत आपने अपनी एक बांध मंजूर कराई जहाँ पे टंगल पानी बांध हो से जिसकी कॉपी दे मैखन लाई तक हम मैखन लाई क्या अच्छा ओए अच्छा चले 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 असल में हमने एक बांध बनाई अच्छा दादाजी ने कहा जी बांध में डंगर माल मवेशी पानी पिया करें ठीक है वो मंजूर करवाई उसके बाद जी हमने जी बाराकों के साथ साथ अपनी लैंड घुमवाई इंग्लिश चंगी गल बनी फाइनल फाइनल अब आप तीनों लोग बताएं दो बंदे इसके आप दोनों भाई हैं ना आप दोनों ताद करें और एक इसके इलेक्शन मुकाबले में खड़ा हो जाए क्या मतलब बैठे 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 मैं कह रहा हूँ आप दोनों भाई इताअत करें ना इन दोनों पे इताअत करो इनकी इलेक्शन में खेला करा दो बेटा वह तो खलना नहीं वह तो भेज जाओ भेज जाओ अच्छा मुझे बताइए मेरी बात सुनो आप दोनों इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं नहीं मैं दोनों के मुकाबले में कला खेलना चाहता हूँ ना खड़े क्यों ना आप मेरी बात सुने ना आ, वो हर दफा जीत रहे हैं आप दोनों भाई मिले और आपकी वोट ज्यादा हो जाएंगे तो आप दोनों मिलके इसके मुकाबले में लड़े ताकि कुछ फायदा भी होना आपको पर इसमें एकल नाम की कोई चीज नहीं सारी दो बार निकली गई नहीं एकल नहीं भाई इसको मैं समझाता हूं ये हम दोनों पे लड़ा के इतने नासा पड़ गया ना कोई इतना गला कर कर के ना मेरे खिलार देते हैं रोड के देख ले रोड के जो अगर मेरे इतना ने मैसी की तैसी चिकन चढ़ो और बंदे पुत्र बड़ो हरा के दिखन बात कर ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है जी अंदर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वाला ये सिलसिला आपके इलाके में भी चल रहा है या आप इजीली इलेक्शन लड़ पाएंगे
नहीं ये देखें, ये अभी जो मौजूदा सिचुएशन जो चल रही है उसके अंदर तो ये सारा हर जगह ऐसी सीन है, ठीक है, हर बंदा भी ऐसी गेंजी है। और इसकी मैं अगर माजी में अगर मैं मिसाल देता जाऊं तो ये जो पीटीआई जो इलेक्शन जो लूज किया है जो उसने पिशावर से, उसके यही वजह थी क्योंकि एक ही जगह पे एक ही पार्टी के दो से तीन जितने भी रिलेटिव थे वो कैंडिडेट थे, जिस वजह से ना वोटर जितना भी था वो डिवाइड हो गया, जिस वजह से ना हमें वोट नहीं मिला पीटीआई को उस टाइम, जो हारने की वजह बनी। तो अभी मौजूदा जो आगे बल्दियात का इलेक्शन जो फेडरल में हमारा स्टार्ट होने वाला है, इसके अंदर भी अगर ये सिचुएशन रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके अंदर भी अभी तक जो अभी नजर आ रहा है वो यही है कि एक ही एरिया में जितनी भी रिलेटिव है उनको गलत तकसीम साजी के अंदर बीच में उनको जो टिकट वगैरह दी जा रही है वो बहुत ना गलत है, जिसकी वजह से ना जो नजर आ रहा है वो यही है कि ये बहुत मुश्किल है कि हम यहाँ से विन करें, स्पेशली पीटीआई। मुहतरमा, सियासत से भी ताल्लुक है लेकिन आज बात सिर्फ करेंगे बेटर टुमारो के बारे में। बेटर टुडे क्यों नहीं हो सकता, बेटर टुमारो ही क्यों? बेटर टुडे तो वो तो एक स्पेसिफिक हो जाता है ना कि वो हम जिस चीज में अभी जी रहे हैं तो हमने प्लान किया हुआ है कि इसको बेहतर करके लेके जाना है आगे। जी हमेशा का बेशक बेड़ा गर्क हो जाए, मुझे मरी असीर और मौके पर ये बड़ा मौकफ है ना कि जान बिठा कर खान साहब जीता। खान साहब कहते हैं जी कि अगर तो क्या नाम है आवाम मर रही है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, उनका तो ये जवाब था सिंपल कि मैं क्या करूं। यानी खुदकशी आज हो रही है वो अब कल, यानी कि जो बच्चा कुछ होगा वो जो संभल जाएंगे, जो अमीर तबका है आज के लिए, आज गरीब की आवाम, गरीब बच्चों के लिए, आवाम के लिए आप क्या कर रही हैं ये बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर बेटर टुमारो की बात की जाए तो इट इज़ नॉट अबाउट टुडे। हम तकरीबन 28 इयर्स हमें इस साल कंप्लीट हुए हैं माशाल्लाह। 94 से जो है मिसेज यास्मीन फारूकी ने इस चीज़ का इनिशिएट लिया था और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है जी हमारी चेयरपर्सन है और माशाल्लाह हयात है और उन्होंने ये जो इनिशिएटिव वो हयात है, ये तो वाह हयात हम वाह हयात है, ये बेगैर होते हैं। एक मिनट एक मिनट, आपको लेस प्रिविलेज बच्चों के लिए जो है, आप चुप रहना, लेस प्रिविलेज बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है जिसमें हम स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बुक्स, हर चीज जो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हमारी अपनी बिल्डिंग है जिसमें बच्चों को फैसिलिटेट किया गया है, इवन के मॉडर्न जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं उनको मीट अप कर रहे हैं हम बच्चों के लिए। हम गेम्स देते हैं, हम बच्चों को इवन के हमारे पास बच्चों के यूजेज के लिए लैपटॉप्स हैं कि वो पीसी भी अगर लाइट चली जाती है तो वो उस चीज को इफेक्ट ना करे, वो भी है हमारी एक हमारी लाइब्रेरी है जिसमें राउंड अबाउट 5000 बुक्स हैं और बच्चों का एक कंपल्सरी लाइब्रेरी पीरियड है जिसमें उनको। हमारी फंडिंग जो है वो एक फैमिली बेस्ड फंडिंग है जिसमें मिसेस यास्मीन फारूकी, उनके बच्चे और उनकी बहनें जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी हमारी एक फैमिली मिलके जो है इसको कर रही है, चला रही है और सारा उसका जितने भी एक्सपेंसेस है उनको हम मीटअप कर रहे हैं। मलिक साहब, एजेंडा क्या होना चाहिए एक बल्दियाती इलेक्शन में जाने का? महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं एक बात करता हूँ, आप इलाके की डेवलपमेंट के लिए एक महदूद काम कर सकते हैं। हमारा इनिशिएटिव ही आजकल यही हो सकता है कि यार मैं मीटर लगवा दूंगा गैस का, बिजली का, वट एवर, लेकिन गैस बिजली का मीटर जो जेन्युइन बात की जाए वो बल्दियाती बंदे के हाथ में नहीं है। बिल्कुल, उसको जब तक MNA या सरकारी तौर पे ना किया जाए तो नहीं हो सकता। इनिशिएटिव क्या है कि बल्दियाती बंदा क्या कर सकता है और आप क्या करेंगे? देखें जो अभी मौजूदा सिचुएशन अगर पीटीआई की, अगर हुकूमत गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत ही अभी ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट है और उसकी वजह क्या है? देखिए सबसे पहले महंगाई जो कि अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रही, अभी आज के जो अपडेट है कि अब पेट्रोल भी तकरीबन 8 से 11 रुपए महंगा हुआ, प्लस उसके बाद 3.30 पैसे पर यूनिट बिजली का महंगा हो गया, फिर उसके ऊपर जो बिल आ रहा है, बिल के ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं वो महंगाई को आप देख लें। अब जब तक ये चीजें कंट्रोल नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल में आपको इरिटेशन नहीं होती बहुत सारी चीजों में, मुतमिन है हुकूमत से कैन यू ओपन दैट थिंग्स के हाँ यार हमारे पास में नहीं है, ये खत्ते की मजबूरी है, एक्सेट्रा ये वो, यू आर द पीडीआई पर्सन आई नो दैट, बट आप थोड़ा सा ओपन स्पीकर हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से मैं पूछूंगा कि मुतमिन है या कहते हैं कि यार नहीं लैक है। देखें आगे ओपन अगर मैं बात करूं और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात है, मौजूदा सिचुएशन जो है ना पीडीआई की हुकूमत से, क्या मैं या मेरे अलावा जितने भी अभी जो बेचारा मुतासरीन है इस महंगाई से तो वो तो मुतमिन नहीं है। वजह यह है कि देखिए जो ख्वाब हमें दिखाया गया था अभी तक उनमें से अभी तक तो कोई वजूद में नहीं आया। मैं अगर मैं बात करता हूँ
फॉर एग्जाम्पल हेल्थ कार्ड की अभी जो सिचुएशन जो चल रही है, हेल्थ कार्ड देखें पहले जो 10 दिन या 15 दिन थे उसके अंदर आप ना अपना आईडी कार्ड को 8500 के ऊपर आप एक्टिवेट करते थे तो हो जाता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा, लोगों को बहुत ज्यादा कम। अच्छा एक बंदे ने मुझसे सवाल किया, एक कीता ओके कीता मतलब चीता मतलब चीता, एक कीता ओके कीता, भाई साहब वो कुछ नहीं कीता भाई, कहना समझा ये विक्ट्री का निशान है, ये बिल्कुल नशा नहीं लगा क्या, ये विक्ट्री का निशान है, मैं मुल्तान जाना है, मेरा 200 रुपया किराया काटे, मेहरबानी करो, अच्छा सॉरी टू से कि मैं एक बात करना चाहता हूँ, हमारे एक बड़े सीरियस टॉपिक है और मैं यहाँ पे इन भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हम थोड़ी डिटेल में बात करें, आप करें मोस्ट वेलकम, हमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन हम ना हमारा मकसद ये होता है कि शुगल मेले में ना अच्छी बात पहुंचाई जाए, बिल्कुल है, लेकिन शुगल मेले बीच में जब वो बात रिदम बन होता है वो टूट जाता है ना, फिर देखिए ये आजकल मैं यहाँ पे ना यहाँ पे इसी चीज को आपकी ही मसाइल को बयान करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ कि देखें महंगाई इतनी जोर शोर पे है कि अभी फिर नजर नहीं आ रहा है कि इलेक्शन बलदियात के इलेक्शन में पीटीआई विन नहीं कर सकती जब तक ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाती, जब तक जो आवाम के वादे किए गए जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक ये विन नहीं कर सकती। आप भी पीटीआई से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखती हैं, मलिक साहब की बातें बड़ी जेन्युइन है, आप मुझे बताएं कि ये जो महंगाई है ये चंद दिनों में तो कंट्रोल होने वाली है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कभी भी अभी इतनी जल्दी तो इसका वैसे भी वो जो तब्दीली का हमारा नारा था, साल हो गए पीडीआई के साथ, मैं अभी रिसेंटली राउंड अबाउट 2-3 इयर्स, अच्छा आप तो बहुत पुराने वर्कर हैं, ये बहुत पुराने हैं, अब क्या दिल बर्दाश्त होता है कि वफाएं, वो क्या कहते हैं ना, तुमसे ये उम्मीद ना थी तुम भी बेवफा निकले, मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ की देखे 2013 के साथ ही हम इमरान खान साहब के, अच्छा 2018 का जब इलेक्शन हुआ, क्योंकि जिस एरिया जो मेरा एरिया NA52 का यहाँ पे बहुत ज्यादा हालात बहुत ज्यादा टाइट थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, हम नजरियाती वर्कर थे, एक तब्दीली के नारे पे वोट डाला और डलवाया, लेकिन अफसोस कि वो जो तब्दीली थी वो बहुत ज्यादा ना अभी हमें महंगी पड़ चुकी थी, शेर थी बात ही, क्योंकि देखे हम अपने आवाम के जितने भी मसले मसाइल थे हम उनको ऊपर लेवल पर जब जाकर मसाइल डिस्कस करते हैं, जब स्पेशली अगर मैं बात करूंगा देखे जिस एरिया से मेरा ताल्लुक है ना होरी टाउन NA52 के एरिया है, राजा खुर्रम नवाज साहब के एरिया है, यहाँ पे ना गैस है ना बिजली है ना पानी है ना कब्रिस्तान है ना हॉस्पिटल है, किसी किस्म के कोई हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। देखिए जब हम अगर बलदियात का इलेक्शन आता है, अगर हम नुमाइंदगी अगर पीडीआई के फॉर एग्जांपल करते हैं तो हम जाके किस मुंह से या क्या जाके हम कहेंगे कि जी हमें वोट दें, जो चीजें फैसिलिटीज ही नहीं है या प्रोवाइड नहीं की गई, 3 महीने का टाइम देकर आज 3.5 साल के दौरान ये गुजर गया, ना गैस बिजली ना पानी मिला ना हमें वो उसके बाद बिजली मिले कुछ भी तो नहीं मिला, शुक्र करो बिलागुल बची है, शुक्र करो नहीं मिला, बिलागुल नहीं मिला, अगर ये मिल जावे थोड़े कार बिल आवे ना 10-10-20 हजार दे बचत पहले तो फायदा तो देखिए यहां पे अगर जो बिल भी आता है ना, अगर बिल भी आता है वहां पे देखिए 3000 ये 73-74 साल से जो कुछ चोरों ने तिमुर का बेड़ा गैरत किया वो 2 दिन में थोड़ी ठीक हो गए। देखें इसमें एक दुरानी मैं आपको मैं चीज बताता हूँ, देखें अभी टाइम कितना हो चुका है, कम से कम 4 साल का दुरानी हो चुका है, देखें 74 में ये भी देखें कि आवाम जो अभी मौजूदा सिचुएशन चल रही है हमारी गरीब आवाम को आटा चीनी पत्ती इन चीजों से सरोकार है, जिसकी 15-20 हजार का सैलरी है वो किस तरीके से घर का गुजारा कर रहा है, ठीक है बात ये देखिए ऊपर लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे डैम बन रहे हैं वो उसको गरीब से उसे कोई सरकार नहीं है, आने वाले वक्त में हमारे मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन देखिए उसको अच्छा करने के साथ साथ हमारे जो मौजूदा जो स्पेशली जो कंट्रोल है इसका महंगाई का अब उसको भी तो साथ साथ कंट्रोल करना चाहिए। मैडम आपकी तरफ आऊंगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आईडिया है, खुदा की कसम इन दोनों को छोड़े इस दफा मैं जीत गया ना, खुदा की कसम गैस का मसला मैं हल करूंगा। कैसे कैसे है वो? देखिए मेरे भाई को 24 घंटे गैस होती है, वो मेरा घर में प्रॉब्लम है। देखिए मलिक साहब मैं यहाँ पे एक चीज और कहता चाहूँ कि देखें गैस और बिजली का मसला तो है ही है, उसके अलावा देखिए हमारे क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, देखिए इतना बड़ा एरिया 1.5-2 लाख की आबादी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी बलदियात का इलेक्शन है, अभी देखें कि बलदियात के इलेक्शन में जो होली टाउन के एरिया है इसमें हाँ जो पीटीआई के लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं वो क्या लोगों का किस तरीके से कन्विंस करेंगे कि हमने आपसे वोट लेना है जब कुछ हुआ ही नहीं है, जहां पे तवज्जो नहीं दी गई, ठीक है मैं यहाँ पे देखें अगर बंदा ठंडे पानी से अगर वो ठंडा पानी यूज करेगा गैस ना होने की वजह से जब वो बीमार होता है वो मर जाता है उसको कसूरवार कौन है? वाह वाह
मर जाएगा सीधा जल्दी काट को ना काट जिंदगी काट को ना काट का साहब इलेक्शन की जो चल रही है ना इसके अंदर मैं अगर मैं बात करूं देखिए पीटीआई जब तक मैं बार बार पहले भी काफी सारे चैनल पे काफी सारी जगह इंटरव्यू पे मैंने ये कहा कि जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी आवाम को ये सरकार नहीं है कि ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है वो कहता है हमारे देखिए हमारी कम कम आमदन है उसके अंदर हमारा गुजारा होना चाहिए हमें आटा चीनी पत्ती ये चीजें हमें मिलनी चाहिए जिस वजह से हमारा घर का निजाम चलेगा। अब जिस बंदे के 15,000 से 20,000 का सैलरी है उसने घर का रेंट भी देना है बच्चों की मेडिसिन भी लेनी है बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करवानी है वो कहाँ से गुजारा करेगा। अच्छा फाइनल क्योंकि मैडम की तरफ आना है मुझे एजुकेशन के रिलेटेड डिस्कस करना है हल क्या है दोबारा नवाज शरीफ और जरदारी हल है। देखिये हाल जो अभी मौजूदा लग रहा है ना वो यही है कि बलदियात के इलेक्शन में सिचुएशन अभी बड़ी मलिक साहब एक वैसे मुश्किल है राय देना लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लेकिन घुमा के पूछता हूँ बल्कि सीधा पूछता हूँ इफ यू आर नॉट गोइंग विद इमरान खान देन व्हाट विल बी योर चॉइस इज इट नवाज शरीफ इज इट बिलावल व्हाट विल यू पिक। हाँ मौजूदा सिचुएशन में अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसके दौर में मामला रोड और देखिए हर हुकूमत में करप्शन होती है जंगल में सांप शहर में बसते हैं आदमी जंगल में सांप शहर में बसते हैं आदमी सांपों से बच के आओ तो डसते हैं आदमी इंसानियत नापैद हो गई है अब आदमी की जान का दुश्मन है आदमी। वाह 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 क्या कह रहे हैं मैडम बच्चे तो इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सारे सड़कों पे कोई इशारा नहीं है जो रुकता हो जिस पे रुके गला खराब है थोड़ा सा मैडम हर इशारा ऐसा है कि जिस पे बच्चा नॉक करता है और कहता है कि फूल ले लो गमला ले लो आज तो मास्क हर दूसरा बच्चा मास्क बेच रहा है मुख्तलिफ चीज़ें ये जो बच्चे हैं ये भी इस्लामाबाद के बच्चे हैं ये भी बच्चे हमारे हैं इनके बारे में क्या किया जा रहा है। इसी चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेबर चाइल्ड को रिड्यूस करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो लॉन्च किया है अब पाकिस्तान होम स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो बच्चे यानी कि स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे अगर वो दिन के टाइम पे काम भी करते हैं तो हमने इवनिंग क्लासेस उनके लिए लॉन्च की हैं जिसमें हम टोटल उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं हमने माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हायर किए हैं वो उनको करवाती हैं काम और हमारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान होम स्कूल के नाम से ही हैं और ये इनिशिएट लिया है हमारी बहुत काबिल कदर हैं डॉक्टर समीना अल्ताफ वैसे तो बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर हैं लेकिन उन्होंने टॉपिक वाइज जो है ये लेक्चर्स बना दिए हैं कि अगर कोई बच्चा इस तक रीच आउट नहीं भी कर सकता ना तो उसको कहीं ना कहीं से बहुत सारे दर्द दिल रखने वाले लोग होते हैं आप हैं आप बच्चे को लेक्चर आपकी गली में अगर एक दो बच्चे हैं तो आप उनको बुलाएं वो लेक्चर लगा के दे दें एथिक्स उसमें डेवलप की गई है बच्चों को बेसिक लर्निंग दी गई है। आपको लगता नहीं है ग़ज़वा बदर की याद आ जाती है कि कैदियों की तरह 21वीं सदी है और हमारा बच्चा स्कूल से बाहर है तो ये किसका कसूर किसका है। देखिए मैनेजमेंट तो हमारी जो होती है ना हायर लेवल की उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं जो चलती हैं लेकिन बीइंग अ पर्सन हम लोगों का ये क्या कहते हैं कि जिम्मेदारी है ना कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़े से तो वो हों कि हाँ जी अगर हुकूमत नहीं कर रही तो हम खुद आगे क्यों नहीं आते। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद से आगे आई है हमें कोई फंडिंग्स नहीं है हमारे आपस में बहन भाई दोस्त वो सारे मिलके इस चीज़ को जो है वो कवर अप कर रहे हैं और हम बच्चों की चलें आटे में नमक के बराबर सही ये नहीं कहते कि हमने बहुत एरिया जो है कवर किया है चकलाला का एरिया है उसका छोटा सा लेकिन हमने उसको कवर किया है बच्चों को रीच कर रहे हैं। मलिक साहब चाइना में आप भी गए हैं मैं भी थोड़ा बहुत गया हूँ हर घर में फैक्ट्री लगी हुई है बच्चे एजुकेटेड ना भी हों टेक्निकल एजुकेशन उनके पास बहुत है एक बकरे से लेकर एक वॉशिंग मशीन से लेकर एक गधे से लेकर हर चीज़ से काम लिया जा रहा है इवन कि वो जो साइकिल चला रहे हैं उसके भी उनसे बैटरियां चार्ज कर रहे हैं। हमारे यहाँ हम लोग 1 अरब कुछ नहीं है हम 22 करोड़ हैं 20 करोड़ होंगे मोहतरम हम कब इस तरफ आएंगे कि हमारे बच्चे इतने एजुकेट हो सकें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा सकें हर मोहल्ले के अंदर ऐसे छोटे छोटे कारखाने बन जाएं हम कब जाएंगे।
देखें यासीन भाई, यहाँ पे जो सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे ना कदर नहीं है काम की करने को। तो देखें हमारे जिस तरह एक लेबर तबका है वो कितना अच्छा काम करता है, लेकिन उसके साथ ना इंसाफी ये होती है कि उसको जब टाइम पे उसको सैलरी या उसके साथ जो भी चीज़ फिक्स की जाती है वो नहीं मिलती, वो एक डिसहार्ड हो जाता है। डिसहार्ड होकर वो फारिग हो जाता है, फिर मुख्तलिफ किस्म के गलत कटगरियों में आ जाता है, तो मनशियात में लग जाते हैं, चोरी चकारी में लग जाते हैं। जब तक के मुल्क के अंदर एक वर्कर को उसकी कदर उसकी नहीं की जाएगी, तब तक ये हमारे मसाइल एज इट इज़ चलेंगे। मैं यहाँ पे सॉरी टू से कि मैं ना, क्योंकि बल्दियात के आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं एक चीज़ मैं थोड़ी देर पहले बताना भूल गया। देखें इमरान खान साहब ने जो तंजीम बनाई थी, तंजीम को ढाई साल तकरीबन तंजीम ने काम किया पीटीआई के लिए, ग्रास रूट लेवल से लेकर उसको ब्लॉक कोर्ट तक लेकर गई। लेकिन देखें जब 2000 अभी बल्दियात का इलेक्शन है उसको ख़त्म कर दिया गया, वो जितना भी 18,000 वर्कर था जो तंजीम का था वो डिसहार्ड हो चुका है। अभी जो मौजूदा सिचुएशन ऐसी है पीटीआई के जो मौजूदा हालात है ना, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। क्यों? कि वजह यह है कि गलत पॉलिसियाँ, और इमरान खान साहब ने देखें वर्कर को इज्जत नहीं दी। मैं सही स्ट्रेट से बात करूंगा तो जब तंजीम इतना अच्छे तरीके से काम कर रही है और एंड टाइम पे आके बगैर मुसावत बगैर उनको नोटिफिकेशन दी, और इस तंजीम की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। इसी देखें इसी तंजीम की वजह से हमारे जैसे नौजवानों की वजह से इमरान खान साहब 2018 में देखें वो माशाल्लाह हमारे वजीर आजम बने, लेकिन उन्होंने कदर नहीं की। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप सुनते हैं देखते हैं, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में दोबारा मुलाकात होती है नए मेहमानों के साथ, नई गपशप के साथ। अल्लाह।